सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय नवरात्रि सीरीज डे 2। और आज मैं करने वाली हूँ व्हाइट कलर मेकअप लुक फॉर द ड्रेस। और ये मैंने हल्का सा ऑफ व्हाइट दुपट्टा लिया, बिकॉज मेरे पास सिर्फ एक यही दुपट्टा है जो थोड़ा नवरात्रि वाइब देता है, अदरवाइज आई डोंट हैव एनीथिंग। बाकी जुगाड़ से काम चल रहा है। तो आज के लुक में मैं फाउंडेशन नहीं यूज़ करूँगी, फॉल्सीज नहीं यूज़ करूँगी, आज थोड़ा सटल मेकअप लुक रखेंगे, बहुत ज़्यादा ईजी। सो या विदाउट एनी फर्दर यू, लेट्स जस्ट स्ट्रेट स्टार्ट द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब का सिरम, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड वॉइस आएगी कंस्ट्रक्शन के, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद मैं इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लूँ, क्योंकि मैं कोई प्राइमर यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप इसके जगह प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं। लिप, यहाँ पे मैंने लिप बाम लगा लिया है, जो कि बेबी लिप्स, बहुत कॉमन। और क्योंकि मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र। उसके अंदर हल्का सा स्विस ब्यूटी का एल्यूमिनेटिंग क्रीम मिलाया है, ताकि ये मेरे फेस को बहुत ज़्यादा ग्लोई बना दे, बिकॉज मैं कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ करने वाली हूँ। अच्छे से इसको रब करने के बाद, लाइक फेस पर अच्छे से ब्लेंड करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप मैं करने वाली हूँ कंसीलिंग। कंसीलर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का कंसीलर। उसमें से सिर्फ मैं अपने अंडर आइज़ को न्यूट्रलाइज़ करने वाली हूँ, मैं कोई भी हाईलाइटिंग इफेक्ट नहीं देने वाली हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद, ब्लू हेवन के फ्लॉलेस पाउडर से, जो कि मेरा शेड है 01 नेचुरल, इसकी हेल्प से मैं इसको सब अच्छे से सेट कर लूँगी, ताकि मेरी अंडर आइज़ क्रीस आउट ना हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करेंगे अर्थ रिदम का ब्लश, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसको अच्छे से ब्लश को ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहें तो ब्लश अपने हॉलोज ऑफ चीक्स, मतलब ऊपर लगा सकते हैं। मैं पूरे अपने गालों पर भर के लगाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और लाइनर यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने ड्रॉ किया विंग, आप चाहें तो विंग अवॉइड कर सकते हैं। मैंने लाइनर के लिए यूज़ किया मेबलिन का लाइनर। ये सारे शेड्स हैं जो मैं यूज़ कर रही हूँ आई मेकअप के लिए। तो बहुत सिंपल है आई मेकअप। लोअर लैश लाइन पे आधे दूर पे आपको लगाना है ब्लू कलर, उसके बाद आधे दूर पे आपको लगाना है येलो कलर, एंड येलो के ऊपर आपको लगाना है ग्रीन शिमर, और ब्लू वाले के ऊपर आपको लगाना है हल्का सा जो ये थोड़ा एक्वा ग्रीन कलर है वो। दैट्स इट, इतना ही है आई मेकअप आपका। अपनी ब्राउज को मैं फिल कर लूँगी, मैं उसके लिए यूज़ कर रही थी स्विस ब्यूटी का आईब्रो पैलेट, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मास्क का मस्कारा, और मस्कारा भर के लगाइए, बिकॉज कोई लैशेज आप नहीं लगा रहे हैं आज। ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर है इन द शेड सिल्वर मेटालिक आई गेस, जो कि मैंने बहुत लाइट अमाउंट में लगाया है, जस्ट टू यू नो गिव दैट नेचुरल इफेक्ट, जो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं अपने मेकअप को पूरा अच्छे से सेट कर ले रही हूँ NYB की सेटिंग स्प्रे की हेल्प से। Having some great breakouts today.